हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम CC1 MIL हिंदी का जो फर्स्ट सेट है क्वेश्चन पेपर है विनोबा यूनिवर्सिटी का वो दिखाने वाले हैं। ठीक है, ये जो MIL हिंदी है सारी यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है, मतलब सारी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम इसमें हम आपको सारा कुछ बताएंगे और कितने क्वेश्चन मैच किए सारा कुछ बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल में नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे आने वाले समय को बहुत हेल्प होने वाला है। ठीक है, UGPG के सारे सेमेस्टर में। तो स्टूडेंट्स वीडियो को शुरू करते, जैसे कि यहाँ आपका 2022-26 सेशन है, 3 घंटा तक 75 मार्क्स का था। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, तो अपने शब्दों में ही देना है। ठीक है, और बाकी यहाँ बोल रहा है सभी प्रश्नों के उत्तर दें, तो वो तो देना ही पड़ेगा। निम्नलिखित सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दें 1x5 यानी कि आपका एक क्वेश्चन, यानी कि आपका मतलब कि ठीक है, एक क्वेश्चन का एक नंबर यानी 5 क्वेश्चन का 5 नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आपका दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ संवाद के लिए किस तरीके का प्रयोग अधिक होता है, बताइए संवाद सबसे ज़्यादा किस तरीके से प्रयोग होता है, तो बातचीत या ईमेल दोनों में से कौन लगाएं आप लोग बताइए। ठीक है, यहाँ बातचीत भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है, दोनों में से सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो बातचीत का होता है। किसी से संवाद करते हैं हम किस माध्यम से, बातचीत के माध्यम से। अब खा देखिए प्रिंट मीडिया में डैश का कहाँ से, समाचार के लेखन से है या संपादन से, संपादन क्या होता है, तो संपादन के बारे में हम बताए थे स्टूडेंट संपादकीय लेखन वाला में, और समाचार पत्र लेखन वाला हम मतलब सारा जितना भी क्वेश्चन आए सारा वीडियो के अंदर से आए। ठीक है, इसको हम पहले ही बता चुके थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए यहाँ पर डैश जो होता है आपका डेस्क, प्रिंट मीडिया में डेस्क का आशय समाचारों के लेखन से या संपादन से है, तो ये आपको देख लेना है। ठीक है, इसके बारे में तो ये मतलब कि थोड़ा डीप में गया है। ठीक है, डेस्क का मतलब यहाँ डेस्क का आशय समाचारों के लेखन से है या संपादन से, तो यहाँ मतलब दोनों एक कह सकते हैं, लेखन और संपादन एक ही हुआ लगभग। ठीक है, यहाँ लिख रहा है, लिखते हुए कोई गलती हुआ तो उसको संपादित किया। ठीक है, तो मतलब दोनों एक तरह से लेखन या लेखन या संपादन दोनों में से जो भी लगाएंगे आपका लगभग सही होगा। ठीक है, अब आगे देखिए ग नंबर, लेखन कौशल का उपयोग सृजनात्मक लेखक से है या नहीं, लेखन कौशल का उपयोग जो होता है और सृजनात्मक लेखक से लेखन से या नहीं, तो है। ठीक है, सृजनात्मक लेखन होना चाहिए लेखन कौशल में। नीलकंठ का विग्रह करिए, जिनका जो कंठ है नील प्लस कंठ, ठीक है, जिनका कंठ नील है, नीला है। ठीक है, अब संचय का विच्छेद करें, स प्लस अंचय, संचय। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना था। अब देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर लघु टिप्पणी लिखना है, टिप्पण प्रतिवेदन संक्षेपण सारा का सारा बताए हुए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप लोग ये लिख लिए होंगे मैं हम उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग लिख लिए होंगे तो बढ़िया बात है स्टूडेंट्स। ठीक है, और नहीं लिखे होंगे तो आपका मार्क्स कटेगा ही। अब आगे देखिए 4 प्रश्नों का उत्तर देना है जिनमें से आपका 15 नंबर का है। ठीक है, लेखन कौशल के अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, संपादकीय लेखन का क्या आशय स्पष्ट करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, और अगला है नियुक्ति हेतु अपना जीवन वृत्त बायोडाटा तैयार करें और कारक की परिभाषा देते हुए उसके भेदों पर प्रकाश डालें। ठीक है, अब अगला देखिए समाज की परिभाषा देते हैं, इसके भेदों पर भेद उदाहरण सहित लिखें, हिंदी में लिंग निर्णय संबंधी आवश्यकता एवं नियमों का विस्तार से उल्लेख करें, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट करें और इसके भेदादि का उदाहरण सहित उल्लेख करें, सारा का सारा बताया क्वेश्चन। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका जो है सो आउट ऑफ हम बोले थे 99.9% क्वेश्चन जो है सो मेरे वीडियो से आएंगे, लेकिन स्टूडेंट से आपका जो 100% है सारा उसी से आया। ठीक है, जैसा कि सारे सब्जेक्ट का इसी तरह। ठीक है, तो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है, जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, और बने रहिएगा हमेशा ताकि आपका हेल्प हो पाए। ठीक है, हम भी चाहते हैं स्टूडेंट्स की पढ़ने वाले बच्चों का हेल्प हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।